मोहन मंत्रिमंडल की अहम बैठक मंत्रालय में गुरुवार को हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने का निर्णय लिया गया। वहीं बैकलॉग पदों पर होने वाली भर्ती का भी फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश मोहन कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें उन्हें मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल समूह ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब तक किसानों को 6 माह के लिए 0% ब्याज पर लोन देने का भी फैसला था, जिसमें 1 माह का इजाफा कर दिया गया है। अब किसानों को 7 महीने के लिए 0% ब्याज पर लोन दिया जा सकेगा। इसी प्रकार से मोहन सरकार ने बैकलॉग पदों को भरने का भी फैसला लिया, जिसमें बैकलॉग पदों पर होने वाली भर्ती की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बैठक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हुई है। सबसे पहले उन्हें सभी माननीय मंत्रियों ने बधाई दी है कि जिस प्रकार अमरवाड़ा में, जो कि हमेशा कांग्रेस की सीट रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व हम जीते हैं, इसलिए पूरे मंत्रिमंडल ने उनको बधाई दी है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है, हमने कुलपति को कुल गुरु की घोषणा की है, तो हमें उन विधिवत तरीके से शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अराजकता आई है, उसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थी और गुरु के बीच में एक जो हारमोनी चाहिए, वो हारमोनी नहीं होने के कारण थोड़ी सी अराजक स्थिति है। तो हम कैसे हारमोनी और अच्छी स्थापित कर सकें, तो हर शिक्षक का विद्यार्थी सम्मान करे, गुरु पूर्णिमा को उनको चरण स्पर्श करे, और उसकी शुरुआत मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण भी करें, ये उनने अपेक्षा की है। एक बहुत अच्छा अभियान राजस्व का प्रारंभ हो रहा है। यह 7 दिन का अभियान होगा। पहले भी हमने किया था, आपको याद हो, उसमें लगभग सीमांकन, बंटवारा, इस सब के प्रकरण लगभग 30,000 निपटे थे। यह भी फिर से 7 दिन का एक अभियान चलेगा, जिसमें हमारे किसान भाइयों के जितने भी पेंडिंग सीमांकन के काम हैं या बंटवारे के काम हैं, वो सारे निपट जाएं, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं, और इसको राजस्व विभाग बहुत अच्छे से करे, इस प्रकार के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी वक्त दिल्ली के अंदर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, उसमें मध्य प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 आया। हमने हमारे प्रदेश के जितने भी सड़क पे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा लोन दिया है, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को आज भारत शासन सम्मानित कर रहा है। हमारे 2 अधिकारी वहाँ पुरस्कार प्राप्त करने भी गए हैं। उसी प्रकार NULM योजना, उसमें भी मध्य प्रदेश प्रथम आया है। उसमें भी अभी पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा है।